मोहन जुली का ऐसे भाई लुक्स फैशन करना ज्यादा जरूरी होता है। कम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आपने मेरे लास्ट वाले सारे ब्लॉग्स देख लिए होंगे, तो उनसे ही रिलेटेड है ये वाला ब्लॉग भी। तो भाई अभी तक था बान मेहंदी डीजे नाइट का फंक्शन और आज है शादी। तो भाई अभी शादी में जाएंगे और अभी शादी में जाने के लिए हो जाती हूँ मैं तैयार। और टाइम अभी हो चुका है शाम के 6:03। तो भाई टाइम तो इतना हो गया बट मेरी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन है और अभी तक मैंने कुछ भी फाइनल नहीं किया क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो अक्कड़ वक्कड़ मम्मी वो करना पड़ेगा शायद अब मुझे। हाँ सही है ना मम्मी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो फटाफट से मैं भी सोच लेती हूँ मैं क्या पहनूं क्या ना। एक ब्लू वाला है और एक सी ग्रीन का ऑप्शन है मेरे पास, तो इन दोनों में से कुछ एक चूज़ करूँगी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। फ़ोन में देखने के बाद कैमरा में मेरे को पता चला नेल पेंट भी नहीं लगाया मैंने, चलो ये भी लगा लूँगी। तो फिलहाल मैं हो जाती हूँ तैयार क्योंकि हमें निकलना है 8 बजे तक, 8 या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। तो फटाफट 2 घंटे हैं मेरे पास, उसमें मेरे को तैयार होना है। तो फटाफट से मैं हो जाती हूँ तैयार। मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने आई थी और यहाँ देखो क्या हालत है। मम्मी आपने मेरे कपड़े नीचे फेंक दिए, देखना बेड भरा हुआ है, बस मेरे कपड़े इतने हो रहे थे यहाँ से नीचे फेंक रखे। मम्मी ने बैग भी उठा के मैंने नीचे फेंक दिया। क्यों रखा है बेटा, देखना बेड कैसे भरा पड़ा है हमारा। ठीक है, तो मेरे ही कपड़े, मेरे कपड़ों से बैग भरा, बेड भरा पड़ा है। अब फाइनल हो गया है मेरे ये वाला लहंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो करना था मेरे को सब कुछ कर करा के मैंने कर लिया है ये वाला लहंगा फाइनल। तो फटाफट से अब हो जाती हूँ मैं तैयार क्योंकि मेकअप में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो फटाफट से कर लेती हूँ पहले स्टार्ट मेकअप, तो उसके बाद मिलती हूँ। अब हूँ मैं कंप्लीट रेडी। ये है मेरी आज की फाइनल लुक, ये वाला लहंगा वियर किया है मैंने और भी दिखाती हूँ मम्मी को भी। ये देखो भाई ये है आज मम्मी की लुक और मम्मी ना आज ये साड़ी पहन के एकदम ऐसी लग जैसे किसी स्कूल की टीचर है। देखो भाई एंट्री पे आ गए हम, अब हमारे ऊपर होगी फूलों की वर्षा। चलो भैया देखो हो रही है ना फूलों की वर्षा, मैं कहा हमारे ऊपर हो रही है ना फूलों की वर्षा। सही में देख लो पूरे बालों पे फूल ही फूल हो गए। और भाई क्या बात है, ये देख लो भाई बहुत वेट करवाया तुमने, कहाँ छुपे हुए थे? हम वहाँ थे कोने पे। अच्छा कोने पे थे, गोलगप्पे खा रही थी। और ये फोन भी नहीं उठा रही, फोन नहीं उठाया तूने एक भी, अब मुँह छुपा रही है। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कौन सा लूँ, लेमन है शायद, लेमन ट्राई करती हूँ। मैं ये वाला लाई हूँ, ट्राई करो we
वृंदावन की झांकियां। लो भाई अब हम लेके आ गए हैं खाना। मैं लाई हूँ नान, चावल, सैलेड और ये क्या है, पालक पनीर। और क्या क्या है, दाल मखनी। तेरा क्या है, शाही पनीर। और तेरा क्या है, मटर मशरूम है और कढ़ाई पनीर है और मिक्स वेज। अलग अलग चीजें ली हमने सबने। वो गिर गया, नजर लग गई उसके। अच्छा अब मेरे को दे रही है। दीदी आपके सर में कौन से फूल है, दिखाना। अच्छा हाँ, नीम झाड़ने के लिए खड़े हो गए। आ रही है बड़ा। अच्छा प्रिया कहाँ है, कहाँ है वैसे, कहाँ जा रहे हो? कह रही घर होके आ जाऊँ। अच्छा अच्छा ले रही हूँ। कहाँ है, तेरे में खींचो अपने में। भाई यहाँ चल रहा है इनका लेडीज का फोटोशूट। रात भी आ गई और अब होगी जयमाला की तैयारी और हम पहले ही आके स्टेज के पास बैठ गए। हम कोई भी सीन मिस ना कर दें। वैसे वहाँ स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा है बट हम फेस टू फेस देखेंगे सब कुछ, है ना। कुछ मिस ये स्टेज पे जाके सबसे पहले बैठ गई। आंटी सुषमा में एंट्री हो गई। ए, दो दो ड्रोन है। इतनी ठंडी हवा आ रही है, ये ड्रोन से आ रही है। हाँ गरम गरम है। चाय को, चाय को, चाय नहीं है कॉफी। कॉफी को चाय समझ के भाई मेरे को नहीं पता था ये चाय है या कॉफी है। मैंने भैया के पास देखा तो मैंने सोचा कि हाँ चाय है और मैंने मांग ली भैया चाय मुझे भी दे दो। भैया गरम है। हाँ गरम हमारे, हम ना इतनी गंदी ठंड लग रही है हमारे को भी। बुरे वाली हो, कभी सोचा नहीं था इतनी गर्मी भी हो, इतनी ठंड भी लगेगी। चीज लेके आई है शॉल वगैरह कुछ लेके? कुछ नहीं लाई मैं तो ऐसी। भाई लुक्स फैशन करना ज्यादा जरूरी होता है, फैशन फर्स्ट है, ये बात माननी पड़ेगी। देख लो भाई मम्मी ने पूरा फायदा उठा लिया सुषमा आंटी का, साइड में बिठा लिया। लो कॉफी पी लो थोड़ी सी, पी ली। और वहाँ ऊपर चल रहा है ग्रूम का फोटोशूट। ये दुआ करने की तैयारी कर ली। देख वहाँ पानी डाल रहे हैं, वहाँ कलर उसमें देख वहाँ डाल रहे हैं, ये इनमें पानी डाल रहे हैं। ना रो रही है।
अभी तैयारी हो गई है फेरों की। तो हाँ, तो क्या करने जा रहे थे, हम ट्रॉमा डम करने जा रहे थे क्योंकि हम बोर हो रखे हैं। तो कल मेरी क्लास है और आज ये फेरे देख रही है। हाँ, और आज मैंने केम वाले सर से डाउट के मंत्र ध्यान से सुना। मैंने कल की क्लास के लिए आज डाउट्स लिए और मैं कल पता नहीं जा पाऊंगी या नहीं। होपफुली अगर मैं जाऊंगी तो मैं फिजिक्स की क्लास में बैठ के आराम से सोऊंगी। सॉरी फिजिक्स वाले सर, बट क्या कर सकते हैं, फिजिक्स वाले सर ब्लॉग में देखेंगे मेरा। उन्हें बोलना भेज दूं मेरा चैनल सब्सक्राइब, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, उससे पता चलेगा सच्चाई पता चलेगी। एक्चुअली भेज दूंगी, इट्स ओके फिजिक्स वाले सर, मेरा घर बैठ जाओ, बैठ सकते हैं। मिल गए, हॉटस्पॉट मिल गया। इनके वाईफाई का नाम पता क्या है, अपना रिचार्ज नहीं करवा सकते क्या? नाम ऐसा ही होना चाहिए। और ये भी बता रही थी और उनको लगा कि वो बोल रहे कि रिचार्ज करवा। ये तो कुछ भी नहीं, पहले इसने लिखा होता ले बिकवोंगे ले। ऐसी मेरी फ्रेंड का भी है ना, पता है अपना करवा लो ना। ये तो फोन का है ना, जो फोन का डाटा है ना उसके हॉटस्पॉट का। गौर से देखो इस लड़की को, इस लड़की को क्यों गेम खेल रहा है। है भाई, बंद कर दो हॉटस्पॉट, अभी कर रही हूँ। होमवर्क नहीं कर रहा स्कूल का, पैरों में तो मंत्र पढ़ रहे हैं, वो हमारी समझ में। मेन टॉपिक स्वीटी दीदी ने ग्रूम वगैरह के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड करा ना, वो भी किया है सारी जयमाला वगैरह। बीच बीच में मजबूरी थी तो कर दिया, मजबूरी देख के आयो। गेम ओवर करके आई है स्वीटी दी। गेम तो अभी देख, इसका अगर मैं बीच में हॉटस्पॉट ऑफ कर दूं तो उसके रिएक्शन देखना। अभी हम थोड़ा धीरे बोलना चाहिए था, रिएक्शन उसने पहले ही दे दिए। हम अब प्रैंक करने जा रहे हैं। लेकिन गाइस देखो, अभी हो रहे हैं यहाँ फेरे और हम लोग यहाँ बैठ के हो रहे हैं थोड़ा सा बोर, तो हमने सोचा है कुछ इंटरेस्टिंग करने का। तो अभी ना किसी भी मूवी का एक एक डायलॉग बोलना है सबको, ठीक है? कौन सा बोलेगी नहीं पता, डायलॉग है कोई मूवी का याद है, किसी मूवी का कोई डायलॉग याद है? मैं मूवी कम देखती यार, कोई ऐसा चैलेंज ढूंढना करो ना जो फन हो। कैसा फनी तो डायलॉग बोला था मैंने, किसी मूवी का डायलॉग याद है आपको? फनी सा कोई डायलॉग किसी मूवी का, किसी को मूवी याद नहीं है ऐसे अंडर। हाँ, आमी मंजुली का ऐसे बोलते हैं। ये गाइस ये देखो सुमन आंटी को, सुमन आंटी ने परसों सारे गीत याद किए थे और आज आंटी का टेस्ट हो रहा है यहाँ। ये वाली सुमन आंटी रीडर ही। हाँ, प्रिया की एंट्री हो गई। नहीं। गीत गा रहे हैं। इस टाइम सब ना ठंड में परेशान हो रहे हैं, उनमें से एक ये है। इनको नहीं लग रही, एक्सेप्ट मी, एक्सेप्शनल केस। मैं लगाऊं? गरम हूँ मैं, गरम हूँ, ठंडा कर देगा। एक इसे देखो भाई, रीटा ठंड लग रही है तेको, एलाली ठंड लग रही है तो ना लग रही। रीटा दीदी को पता नहीं क्या है। देख आज हमने ना इसके साथ ना एक फनी शॉर्ट बना दी, इसलिए ना थोड़ा सा नाराज होके दिखा रही है। रीटा दीदी सेलेक्टिवली अपना चेहरा दिखा रही है। भाई मैं ना मेरी हील यहाँ निकाल के गई थी और वो भी यहाँ से चोरी हो गई। देख मेरे से मेरी चोरी करने से कुछ नहीं होगा, देखना मेरे जूते चोरी कर लिए इन्होंने। मम्मी 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 मेरी हील चोरी कर ली उन्होंने, आई दे दो, मेरे लेने से कुछ नहीं होगा। कहाँ, किसने लिया? सोफे के पीछे रखे हैं, ठीक है भाई पता चल गया मुझे, सोफे के पीछे रखे हैं। ये मेरे जासूस बहुत है। ये देखो ये मिल गई मेरी हील। अब तुम रुको यहाँ, मैं जा रही हूँ घर, ठीक है? बाय बाय, चलो। अरे वो आउटडोर तो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, घर जाके भी कर दूंगी। कोई नहीं, मेरी तरफ से तुम बोल ले गाइस, लाइक शेयर दी। बाय, हम जा रहे हैं, बाय। चलेगी? चल
गाइस अभी तक तो मैं जा रही थी अकेली, लेकिन मैंने इन्हें भी ले लिया। इन्होंने हमारे मम्मी पापा को बोला कि अब चलने का टाइम है। हां तुम्हारे पान खाते हुए जाएंगे स्वीटी। पान भी है? हां पान पान है। एक बार पान बोला सब एक्साइटेड हो। कोई नहीं, कुछ और खा लेंगे। अभी ना हर जगह कहीं भी भीड़ नहीं है। हर पान देखो, पान का नाम सुनते हर कोई कह रहा है पान। मैंने तो ऐसे मजाक में बोला था। देख लो अपने साथ साथ लेके जाने के क्या बहाने। ये देख लो, निकाल इसे। शादी हो गई इनकी गाइस, शादी हो गई। छोड़, मैं अभी तोड़ती हूँ। अंडी ने रिश्ता तोड़ दिया, अंडी को पसंद नहीं आई बहू। देख लो, मैं आराम से चल रही थी, इसने पीछे से अटका दिया एकदम। अंडी को बहू पसंद नहीं आई। तो भाई जाते जाते हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत खा ले, तो मैंने ली है पाव भाजी, गरम गरम पाव, थोड़ा सा मन करे अच्छा लगेगा खाने में। ले लियो एक पाव ले लियो, ठीक है। चल ले, थोड़ी सी जगह रख ले पेट में। अरे जी जाना, कोई नियम नहीं तोड़े, 6 बजे के बाद खाना था। 6 बजे के बाद नहीं खाया इसने? 6 बजे के बाद तो खाना नहीं खाता। मैं एक बार खाना खाती, उसके बाद नहीं खाती। तो अभी खाना मत खाती ना? कुछ भी नहीं खाती, कुछ स्टार्टर वगैरह ले लेती। अच्छा तो भाई चलो, अब हम जा रहे हैं टेंट के पीछे से अपने घर। टेंट के पीछे से ही जा रहे हैं सच में। चलो भाई चलते हैं अपने घर। लाइक शेयर ना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो पैसे स्वीटी कमाते हैं वो मेरे को मिले। हाँ उसकी पार्टी दूंगी फिर मैं, ठीक है। चलो बाय बाय। तो भाई अब मैं आ गई हूँ अपने घर, और टाइम हो गया है अभी रात के 1:15। तो इस टाइम हो रहे थे फेरे, और हम आ गए हैं अब अपने घर, क्योंकि वहाँ लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। तो हमने सोचा कि क्यों ना चल पड़ते हैं अपने घर, और अब घर आ गए हैं तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, रिलैक्सिंग लग रहा है। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी मस्ती वाले टॉक भी बहुत अच्छी लगी होगी ना, क्योंकि आज हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, ठीक है। तो अभी के लिए करते हैं व्लॉग को यही एंड। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।